हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है बेस्टर द नेक्सल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको फिल्म का इंटरव्यू भी देंगे, फिल्म की कास्टिंग की तरफ बताएंगे, इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है स्टोरी में बताएंगे। इसके अलावा इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इस मूवी में किसने किस कब रिलीज होने जा रही है, इस मूवी में लगा कितनी आई गानी, किसने लिखे, स्टोरी किसने लिखी, ए टू जेड मालूम आपको देंगे। अगर आप मूवी भी देखेंगे तब भी आपको मालूम नहीं मिल पाएगी जो कि हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए आपको जरूर देखेगा। बेस्टर द नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों, अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे, अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे, विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे, शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे, यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे, अंगिशा विश्वास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइनाकोलॉजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, पोर नींद भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे, नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लूक पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के, उनका नाम है सुदीप्तो सेन। इसके अलावा विपोल अमरतो लाल शाह, स्टोरी बाई सुदीप्तो सेन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाई विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंद्रा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जादेव ने की है, म्यूजिक बाई
अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। क्या दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें, जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों, अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई, और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया, और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की, और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफा 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते, और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो, और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वह स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है, और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी, और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है, और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है, और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले, और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे, अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे, विजय कृष्णा बतौर लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे, शिल्पा शिकला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे, यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर
वेना रह के रोल में नजर आएंगे अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अथर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीयु अस्तु पोर निंद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज नदी असाने बतौर राम परियानाक राज बतौर अल्लू पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सिंह। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह स्टोरी बाई सुदीप्तु सिंह अमरनाथ झा प्रोड्यूस्ड बाई विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा इंद्रा कितारी विजय कृष्णा सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है। कंट्री इसकी इंडिया है। इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया। बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023 सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा
क्लासिकल रकासा और मला खंबा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी। तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती हैं। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तान का हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगलू सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सिंह काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के ज़िले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सिंह बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु पोर नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज नदी असाने बतौर राम परियानाक राज बतौर अल्लूक पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीप्टू सिंह ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सिंह। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह स्टोरी बाई सुदीप्तो सिंह अमरनाथ झा प्रोड्यूस्ड बाई विप्पल अमरतवाल शाह।
इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदे शर्मा, इंडिया इंद्रा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाटोग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 15 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शन भी है और इसने हिंदुस्तान का हथियार अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर आईपीएस नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा
लिंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे, शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे, यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे, अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइनाकोलॉजिस्ट, अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, पोर नींद व भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे, नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लूक पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीप्टू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिन, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे वर्ण का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सिन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाई सुदीप्तु सिन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाई विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंद्रा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। क्या दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफा 2014 में हुई,
और एक तमिल ब्राह्मण मदुवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कॉन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी। तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तान का हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सिंह काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के ज़िले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा रिंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सिंह बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीयु वस्तु पोर नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी गंदहाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज नदी असाने बतौर राम परियानाक राज बतौर अल्लू पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे का साथ दे रही है अमरात के
उनका नाम है सुदीप्तो सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तो सेन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंद्रा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाटोग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शन भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है और इसे विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी।
फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सब्रत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइनाकोलॉजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, पोर नींद भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर पना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लू पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीप्टू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाई सुदीप्तु सिन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाई विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंडिया इंद्रा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। क्या दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी गरिल्ला स्टोरी 2023,
सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी। तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है और इसे विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सिंह काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर आईपीएस नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा रिंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सिंह बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइनाकोलॉजिस्ट अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु और नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज नदी असाने बतौर राम परियानाक राज बतौर अल्लू पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो
प्रिंसिपल फोटोग्राफी है, उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर उनका साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, हमरिन अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंडिया इंद्रा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइंस पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। क्या दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई, और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की, और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफा 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते, और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो, और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है, और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी, और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शन भी है, और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है, और इसे विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान
जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा रिंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सब्रत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रैमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइनाकोलॉजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु और नींद व भट्ट, भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिक्ला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लू पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतो लाल शाह, स्टोरी बाई सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाई विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाटोग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। तो इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी गरिल्ला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कॉन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी। तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीयु अस्तु और नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज नदी असाने बतौर राम परियानाक राज बतौर अल्लू पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की
प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। तो इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई, और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की, और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। अभी इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफा 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते, और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो, और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है, और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी, और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है, और इसने हिंदुस्तान का हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है, और इसे विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है।
इसमें आदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट, अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, और नींद व भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लू पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे अपन का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा पितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म
1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कॉन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तान का हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगु सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर आईपीएस नीर जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा रिंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीयु अस्तु पोर नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी गंदहाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज नदी असाने बतौर राम
परियानाक राज बतौर अल्लू पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिन, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा। और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रही है अमरात के, उनका नाम है सुदीप्तु सिन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकार है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मोर्टी 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफात 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तान का हथियार पर अपनी
मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर द नेक्स्ट साल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगलु सीन ने की है और इसे विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट बहुनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तैवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, पोर नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लूक पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगलु सीन ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सदयुगलु सीन, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सदयुगलु सीन। इसके अलावा विपुल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सदयुगलु सीन, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान ले गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। तो इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा,
दोस्तों इसके घर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इन्हें जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफा 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कॉन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर आईपीएस नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अत्थर वसावनत बतौर श्रीयु गोपाल के सिंह बतौर श्रीयु अस्तु पोर नींद भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय अभी क्लिप गेगर यक्कर बतौर कार्तुम बा रवीना के तौर पर अना मेका तिवारी
गंद हाली जीन बतौर यमुना निगर समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज नदी असान बतौर राम परियानाक राज बतौर अल्लूक पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा। और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रही है अमरात के, उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इन्हें जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफात 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक
डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर द नेक्स्ट साल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंकार रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीयु अस्तु, और नींद व भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गिगडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लूक पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तू सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तू सिंह। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तू सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विप्पल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई।
और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इन्हें जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी क्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफात 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर द नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंकार रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीव गोपाल के सिंह बतौर श्रीव वस्तु और नींद व भट्ट व
और भट्टाचार्य बत्तो नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कौरतुम, बा रवीना के तौर पर अना मेका तिवारी, गंदहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज, नदी आसाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लूक पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सिद्दीकू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों, इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के, उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतो लाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों, इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें, जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों, अदा शर्मा। दोस्तों, इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई, और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी क्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की, और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफात 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते हैं, और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो, और शर्मा की तालीम एक्सलिम कॉन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए।
बारहवीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तान का हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर द नेक्स्ट साल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंकार रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, पोर नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंदहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लूक पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगडू सिंह ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विप्पल अमरतवाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है।
कंट्री इसकी इंडिया है। इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है। और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया। बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इन्हें जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी क्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। अभी इनके वालिद एस एल शर्मा जिनकी वफात 2014 में हुई और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो और शर्मा की तालीम एक्सलिम कॉन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी। तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर दी नेक्सल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा आंद्रा एतवारी विजय कृष्णा शिल्पा शिकला यशपाल शर्मा सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा लंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शुक्ला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा संजय बूर
कर बतौर गाइनाकोलॉजिस्ट, अथरा वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु, और नींद व भट्ट भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ठंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लू पोनेत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विपल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदीपू सी ने की थी, जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया, जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों, इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के, उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपुल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विपुल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा वितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल ध्रोमन ने की है, एडिट बाय दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाय अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का, यानी 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाएगा। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों, इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें, जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों, अदा शर्मा। दोस्तों, इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई, और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एस ओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की, और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। अभी इनके वालिद एस एल शर्मा, जिनकी वफात 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते, और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो, और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी।
जब वो 10वीं जमात में थी तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है। वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज़ और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है। बेस्टर द नेक्स्ट साल स्टोरी 2024 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की सियासी थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की है और इसे विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इसमें अदा शर्मा, आंद्रा एतवारी, विजय कृष्णा, शिल्पा शिकला, यशपाल शर्मा, सबरत दित्ता और रहमा सीन काम कर रहे हैं। फिल्म का ऐलान जून 2023 में किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ ये छत्तीसगढ़ के जिले बिस्तर में नक्सलाइट मऊनवाज शोरिश पर मुबनी है। बिस्तर 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म को नाकदीन की तरफ से मनफी जैसे मिले और ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बम साबित हुई। दोस्तों अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात कर लें कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है तो दोस्तों इस मूवी में अदा शर्मा बतौर IPS नील जामा धवन के रोल में नजर आएंगे। अंदर तिवारी बतौर रत्ना के रोल में नजर आएंगे। विजय कृष्णा बतौर लंगा रिंका रेड्डी के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शिकला बतौर नीलम नगवाल के रोल में नजर आएंगे। यशपाल शर्मा बतौर अतेल त्रिवेदी, सबरत दित्ता बतौर मलंद कशीप, रहमा सीन बतौर वेना राय के रोल में नजर आएंगे। अंगिशा बसवास बतौर लक्ष्मी, किशोर कंदम बतौर रचंदर कर्मा, संजय बूर कर बतौर गाइना कॉलोजिस्ट, अथरा अत्तर वसावनत बतौर श्रीयु, गोपाल के सिंह बतौर श्रीवस्तु और नींद व भट्ट व भट्टाचार्य बतौर नारायण बागची के रोल में आपको नजर आएंगे। नमन जीन बतौर रमन, वकास शिकला बतौर डॉक्टर अजय, अभी क्लिप गेडर यक्कर बतौर कार्तुम, बा रवीना के तौर पर आना मेका तिवारी, गंधहाली जीन बतौर यमुना निगर, समीर तर मुबक्कर बतौर मर्द जज, सुकुनिया ढंडा बतौर खातून जज, नदी असाने बतौर राम, परियानाक राज बतौर अल्लू पुनीत के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को विप्पल अमरात लाल शाह ने प्रोड्यूस किया था और इसकी हिदायतकारी सदयुगडू सीन ने की थी जो फिल्म के कहानी लिखने वाले भी हैं। जून 2023 में फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पैकेज ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अगली फिल्म ऐलान किया जिसका नाम बिस्तर रखा गया है। फिल्म बंदी इसकी जो है ना, और बात करें तो दोस्तों इस मूवी की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है उसका आगाज जो है ना 19 अक्टूबर 2023 को एक मुहूर्त पूजा के साथ हुआ और शूटिंग के पहले शेड्यूल को मुकम्मल किया गया। अगर इस मूवी के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुदीप्तु सिंह, और राइटर जो है इस मूवी के उनका नाम है अमरात झा, और इसके अलावा राइटर में जो दूसरे नंबर का साथ दे रहे हैं अमरात के उनका नाम है सुदीप्तु सेन। इसके अलावा विपोल अमरतोलाल शाह, स्टोरी बाय सुदीप्तु सिंह, अमरनाथ झा, प्रोड्यूस्ड बाय विप्पल अमरतोलाल शाह। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं आदेश शर्मा, इंदिरा फितारी, विजय कृष्णा, सिनेमाग्राफी राहुल
ध्रोमन ने की है, एडिट बाई दीप राव जयदेव ने की है, म्यूजिक बाई अभिषेक ज्योति ने की है, प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन पिक्चर्स की तरफ से है, रिलीज डेट इसकी 15 मार्च 2024 है, कंट्री इसकी इंडिया है, इसका रनिंग टाइम जो है वो 124 मिनट का है, 2 घंटे और 2 मिनट पर मोहित ये स्टोरी है, और हिंदी जबान में इसको बनाया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 15 करोड़ की लागत है, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.79 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, बहुत कम इसने बिजनेस किया। दोस्तों इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है और उस पर बात करें जो कि एक अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस है दोस्तों अदा शर्मा। दोस्तों इसकी अगर पैदाइश की बात कर लें तो दोस्तों इसकी पैदाइश 11 मई 1992 को हुई, और एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादों पर हिंदी और तेलुगु सिनेमा में नजर आती। शर्मा ने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 की हिंदी हॉरर फिल्म 1920 में मरकजी किरदार के साथ अपनी अदाकारी का आगाज किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की। 2014 की फिल्म में इनने जेरे कब्जा औरत की तस्वीर कशी को तनकीदी तौर पर सराहा गया और इसे बेहतरीन खातून की पहली नामजदगी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी 2014 की रिलीज के बाद इसने जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में मरकजी अदाकारा के तौर पर भी काम किया। दी ग्रिला स्टोरी 2023, सत्या मूर्ति 2015 और कृष्णम 2016 इसने फिल्म एसओ में लीड लेडी का किरदार अदा किया। इसकी दूसरी बड़ी तेलुगु फिल्म में शुमार की जाती है। इब्तदाई तालीम और इन्होंने जो है ना वो बम्बई में की, और पैदाइश भी इनकी बम्बई में हुई है। भी इनके वालिद एस एल शर्मा, इनकी वफात 2014 में हुई, और एक तमिल ब्राह्मण मदवराई तमिल नाडु से ताल्लुक रखते हैं, और वो हिंदुस्तानी मर्चेंट नेवी में कप्तान थे। इसकी वालदा शीला शर्मा एक मलयाली और नडुपुरा पलकाट केरला की रहने वाली है। एक हिंदुस्तानी शर्मा क्लासिकल रकासा और मला खम्बा यो, और शर्मा की तालीम एक्सलिम कन्वेंट हाई स्कूल बंद्रा में हुई थी जब वो 10वीं जमात में थी, तो इसने फैसला कर लिया था कि वो अदाकारा बनना चाहती है। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन इसके वालिदैन का इसरार था कि इसे कम से कम स्कूल की तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। 12वीं जमात मुकम्मल करने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया। शर्मा एक जिमनास्ट है, वो 3 साल की उम्र से नाच रही है और बम्बई में नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस एकेडमी से कथक में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी है। इसने जैज और बेले के अलावा अमेरिका में 4 महीनों तक सालसा सीखी थी और इसने बेली डांसिंग में बहुत अच्छी होने का दावा किया। वो सेल्वम की प्रोडक्शंस भी है और इसने हिंदुस्तानी हथियार पर अपनी मार्शल आर्ट भी तैयार किया है।